हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है परवेज और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक एंड पर। फ्रेंड्स, आज मैं अपने वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि किस तरह आप अपने पोको की डिवाइस, अपने रेडमी की डिवाइस के जो साइड फिंगरप्रिंट होती है उसको आप किस तरह फिक्स कर सकते हैं। आपके जो साइड फिंगरप्रिंट की जो प्रॉब्लम होती है, जो कभी कभी वर्क नहीं करता है, कभी कभी ठीक से वर्क नहीं करता है, आप किस तरह इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए फिक्स कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे बिना एक भी पैसे खर्च किए, तो वो मैं बताऊँगा अपने इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें ताकि आप एक भी स्टेप को मिस ना कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले चलते हैं फोन की सेटिंग में, उसके बाद यहाँ पर चलते हैं ऐप्स पर, उसके बाद चलते हैं मैनेज ऐप्स पर, उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है फिंगर प्रिंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर प्रिंट एक्सटेंशन सर्विस, आपको यहाँ पर टैप करना है। उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, इस ऐप पर करना है क्लियर केक और क्लियर ओल्ड डेटा, उसके बाद आपको करना है बैक, फिर आपको सर्च कर लेना है। अगर आपका डिवाइस पोको का है तो आपको लिखना है यहाँ पर पोको सिस्टम लॉन्चर, और अगर आपका रेडमी का डिवाइस है तो आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है सिस्टम लॉन्चर। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, इस ऐप को क्लियर केक और क्लियर ओल्ड डेटा कर देना है, फिर आपको करना है बैक। उसके बाद आपको अपना फ़ोन की ओर कर लेना है रिबूट, उसके बाद आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके अपने जो फिंगरप्रिंट उसको रिमूव कर देना है पुराना वाला। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर, अगर आपका रेडमी का डिवाइस है तो आप यहाँ पर से अपने, मैं नेट ऑन कर लेता हूँ, अगर आपका रेडमी का डिवाइस है तब सिस्टम ऐप अपडेटर, आप यहाँ से अपने उस ऐप को अपडेट कर सकते हैं सिस्टम लॉन्चर को। और अगर आपका पोको का डिवाइस है तो आपको सिंपली जाना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है पोको सिस्टम लॉन्चर, उसके बाद ये ऐप है, इस ऐप को आपको सिंपली अपडेट कर लेना है। अगर आपका पोको का डिवाइस है तो आपको इस ऐप को अपडेट कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली ये कर लेना है कि नए फिंगरप्रिंट को ऐड कर लेना है, उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। आपका फिंगरप्रिंट, जो साइड फिंगरप्रिंट, वो हमेशा सही से वर्क करेगा, कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी ये प्रॉब्लम घर बैठे बैठे ही ठीक हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।